तो आपको मैथमेटिक्स में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है तो सर एफर्ट भी बड़े ही लगाने पड़ेंगे हमें। तो 80 इंटू 2.5 करेंगे तो 200 मार्क्स हो जाता है। नॉन साइंस बैकग्राउंड हो या मैथ्स का बैकग्राउंड हो, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्वेल्थ में काम करके नहीं आते, वो सिर्फ पास तो हो जाते हैं क्योंकि इंडिया ये कहता है कि आपको 90% प्रोफाइल नहीं चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट एकेडमिक प्रोफाइल प्लस पर्सनालिटी प्रोफाइल का टेस्ट है। तो शुक्ला सर से ये जानेंगे, क्योंकि इनकी एक एक्सपर्टीज है कि बच्चा कैसा भी हो सर क्लास में, हम उसको उस स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं और हम उसको फाइट कराते हैं और उसके जहन में ये भरते हैं कि उसको 600 नंबर लाने हैं। तो सर हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है उसके लिए? ओके सर, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड की आपने बात करी, तो जनरली गर्ल्स जो हैं वो आ जाती हैं उसमें, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी या बीकॉम की होती है, क्योंकि उनको 10+2 में तो उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होता। बट जैसे ही अभी कुछ साल, आई थिंक एक ही साल पहले उनको अटेम्प्ट करने का मौका मिला एनडीए में जी, तो अब उनको एनडीए में जाना है और उनका ये ड्रीम है। तो अब ये उसी तरह की बात हो गई, हमने प्रैक्टिस तो तेलुगु में करी या बॉलीवुड में करी, बट हमें उसका जो फिल्म की एक्टिंग करनी है या शूटिंग करनी है या डबिंग करनी, बोलना है वो तेलुगु में बोलना है, तो ये उल्टा मामला हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बॉलीवुड वाले बहुत सारे तेलुगु में कर रहे हैं, तेलुगु वाले बहुत सारे बॉलीवुड में कर रहे हैं, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग को क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी बताते हैं, क्योंकि अगर आपको राइट पाथ राइट अप्रोच पता है ना तो हम लोग पहुंच जाएंगे। तो एकदम क्लियरली पिक्चर देते हैं कि दिस इज मैथमेटिक्स, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D एंड वेक्टर्स एंड स्टैटिस्टिक्स जी। ये क्लियर पिक्चर दे दिया था ऑन डे वन। जब डे वन में हमने ये चीजें बता दी स्टूडेंट्स को, तो उसके बाद होता क्या है कि उसके माइंड में अंदर से एक एनालिसिस चलने लगता है कि हमें ये वाले पार्ट्स मैंने 10th में कवर किया था, अब हम किन पे ज्यादा फोकस करें, और इवन बायफर्केट भी कर देते हैं हम लोग लेसन प्लान के साथ कि किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो अलजेब्रा का आई थिंक वेटेज सबसे ज्यादा है, तो उस हिसाब से उसको फोकस भी करना होता है। तो अब उसमें गर्ल्स और नॉन मैथ बैकग्राउंड को हम लोग एक ही तरह से डील करते हैं, क्योंकि गर्ल्स में भी फोबिया रहता है कि मैथमेटिक्स हम लोग को टफ लगता है या नहीं पढ़ना है। तो सर एक चीज जो एनालिसिस किया गया या देखा गया हम लोगों ने क्लासेस में कि गर्ल्स आर मोर कंसिस्टेंट देन बॉयज, मच मोर। अगर वो रेगुलर है तो खतरे की घंटी है सारे बॉयज के लिए, बिल्कुल खतरे की घंटी है। और वो 19 सीट्स की वजह से भले ही आपको खतरा ना लग रहा हो, लेकिन जैसे सीट्स इंक्रीज करेंगी ना वो आपको बीट कर जाएंगी, और उसका सिर्फ एक रीजन है वो दे आर मोर कंसिस्टेंट। सीधा स्क्वाडन अलॉट किया गया है और धीरे धीरे वो सारे स्क्वाडन में अपना दबदबा बनाने की तरफ बढ़ रही है, तो सारे बॉयज जो देख रहे हैं वो सावधान हो जाए, जैसे बताया। हम लोग बहुत डेडिकेशन से काम भी करते हैं। तो अब देखिए, अब ये तो जब पेपर हमारे हाथ में होता है तो वो पेपर नहीं कहता कि आप मैथ से नहीं है तो आपको आसान सवाल दे दिए जाएंगे और इक्वल मार्क्स होंगे, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो, हमें लिए स्ट्रेटजी तो सेम ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वल मार्क्स ही हमें अटेंड करने होते हैं जी। तो अगर हमें 600+ चाहिए हो, एकदम जेन्युइन एनालिसिस बता रहा हूं स्टूडेंट, प्लीज फॉलो दिस इफ यू वांट टू गेट मच मोर मार्क्स एंड गेट द गुड रैंक इन एनडीए। तो ध्यान आपको ये रखना है, देखिए सर मैथ्स बैकग्राउंड या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड हो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट होता है 50 क्वेश्चन का जीएटी में, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं 50 जी। तो अगर हम दोनों पेपर मैथ्स और इसकी बात करें, क्योंकि तभी हमें ये डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के यहाँ पे बात करी जा रही 600 की, आउट ऑफ 900 में 600 आपको कैसे अचीव करने, तो उसकी बात करेंगे। तो जनरल साइंस में 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के होते हैं। तो अब अगर स्टूडेंट ने फिजिक्स और केमिस्ट्री तो 10+2 में साइंस बैकग्राउंड में पढ़ी होगी, तो वो क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है। बायोलॉजी के लिए उसको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट दिया जाता है, तो 10 ही क्वेश्चन आते हैं, तो इतना कुछ है नहीं। तो अगर 50 में उसने 35 अटेंड कर लिए जनरल साइंस में, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो उसके लिए थोड़ा सा टफ होता है बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि वो पार्ट है, वो हमें करके जाना है, तो उसमें अगर उसने 30 क्वेश्चन अचीव कर लिए तो ये टोटल मिला के हमारा 65 हो गया। अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से कंटेंट भी दिया गया और बहुत सारे हमारे फैकल्टी तो है ही और बच्चे को पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, आपको थोड़ा बेसिक पे काम करेंगे तो 35 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि 40% वेटेज बकैप का भी होता है, बकैप के रहता है वो याद करने वाली चीज होती है, तो आप धीरे धीरे याद कर लेते हो, और देखा गया कि रिपीटेड भी होते हैं बिल्कुल। तो 35 और 30 अगर आप 70+30 100 क्वेश्चन कर लेंगे आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, तो यू विल गेट 400 मार्क्स, बिकॉज इन जीएटी ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स, तो 400 तो ये हो गए।
अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, जो कि हम लोग का डिस्कशन का पार्ट था और इसी पे हम लोग इतनी देर से डिस्कशन कर रहे थे, तो आपको मैथमेटिक्स में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है तो सर एफर्ट भी बड़े ही लगाने पड़ेंगे हमें। तो 80 × 2.5 करेंगे तो 200 मार्क्स हो जाता है, तो 400 प्लस 200 मिलकर टोटल 600 मार्क्स आपके अचीव हो जाएंगे। ये जो चीजें आपको बताएंगे एकदम आइडियल केस है, आइडियल कंडीशन है, और हम लोग जरूरी नहीं कि आइडियल केस को फॉलो ही कर पाए, अगर आप में गट्स हैं उससे भी ऊपर कर सकते हैं, हाँ उससे भी ऊपर कर सकते हैं बियॉन्ड, क्योंकि किसी भी चीज की लिमिट नहीं है, हम लोग अनलिमिटेड है। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करें और ये पैटर्न अगर रखते हैं तो 100% 600 प्लस आएंगे, और हम लोग इन चीजों पर काम भी कर रहे हैं और आगे चल के आपको बताएंगे भी कि एक एक इंडिविजुअल पार्ट पे, इंडिविजुअल मैथ में किस सेक्शन पे कितना वर्क करना है, तो इस तरीके से आप 600 प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आप सभी ने सीखी।